ग्रेट अल्कली प्लेन के ऊपर विशाल उत्तरी अमरीकी महाद्वीप के बीच के हिस्से में एक बंजर और घिनौना रेगिस्तान है, जो कई सालों तक सभ्यता की तरक्की में बाधा बना रहा। सियरा निवाडे से नेब्रास्का तक और उत्तर येलोस्टोन नदी से लेकर दक्षिण में कोलोराडो तक पूरा इलाका उदासी और निस्तब्धता से भरा है। इस मनहूस से इलाके में कुदरत भी हमेशा एक रूप में नहीं रहती। यहाँ पर बर्फ से ढके विशाल पर्वत भी हैं और अंधेरी उदास वादियाँ भी। यहाँ रफ्तार से बहती नदियाँ हैं जो टेढ़े मेढ़े पहाड़ी दर्रों से होकर गुजरती हैं। यहाँ विशाल मैदान हैं जो सर्दी में बर्फ से सफ़ेद रहते हैं और गर्मी में क्षारयुक्त ऊसर धूल से मटमैले। पर ये सभी बंजर न रहने योग्य और दुख से भरपूर होने के कारण एक समान भी हैं। हताशा के इस इलाके में कोई भी निवासी नहीं है। कभी कभार दूसरी जगह जाने के लिए पौनी या ब्लैकफुट कबीलों के जत्थे गुजरते हैं, दूसरी जगह जाने के लिए जहां शिकार आसानी से मिल जाते हैं, पर बहादुर से बहादुर भी इन मैदानों को पार करके घास के मैदानों में अपने को पाने पर राहत की सांस लेता है। झाड़ियों में कोयोट भेड़िया छिपे रहते हैं, बाज भारी शरीर से हवा में उड़ता है और भूरे बालों वाला भालू अंधेरी पहाड़ी नदियों में भद्दे तरीके से चलता हुआ चट्टानों के बीच से खाना ढूंढता है। इस बियाबान में यही निवासी हैं। पूरे संसार में सियरा ब्लैंको के उत्तरी ढलान से ज्यादा मलिन कोई दूसरा नज़ारा नहीं है। जहां तक नजर जाती है यह चपटा मैदान ही दिखाई देता है, जिसके बीच बीच में क्षार के धब्बे हैं और बौनी चपराल झाड़ियों के गुच्छे। क्षितिज के दूसरी ओर पर्वत चोटियों की बर्फ से ढकी हुई लंबी श्रृंखला है। इस विशाल विस्तार में जीवन का कोई चिन्ह नहीं है, न जीवन से संबंधित किसी भी चीज का नामो निशान है। नीले आकाश में कोई चिड़िया नहीं है, मटमैली धरती पर कोई हरकत नहीं है, चाहे कोई कितना भी सुनने का प्रयत्न करे, यहाँ बिल्कुल सन्नाटा है। इस विशाल बियाबान में आवाज की परछाई तक नहीं है, सन्नाटे के सिवा कुछ नहीं, संपूर्ण रूप से दिल डुबोने वाला सन्नाटा। यह कहा गया है इस विस्तार में जीवन से संबंधित कुछ भी है, पर यह बात नहीं है। सियरा ब्लैंको से नीचे देखने पर रेगिस्तान में एक पगडंडी दिखाई देती है, जो दूर जाकर कहीं खो जाती है। उसमें पहियों के निशान हैं और कई साहसियों के पैरों के निशान भी हैं। इधर उधर कुछ सफेद सी चीजें पड़ी दिखाई देती हैं, जो धूप में चमकती हैं और मटमैली धूल में अलग दिखाई पड़ती हैं। उनके पास जाकर गौर से देखो, ये हड्डियां हैं, कुछ बड़ी और खुरदुरी, कुछ छोटी और नाजुक। पहली वाली हड्डियां बैलों की हैं और दूसरे तरह की हड्डियां इंसानों की। 1500 मीलों 2400 की मी तक इस बदनसीब कारवा का रास्ता इन्हीं छितरे अवशेषों से मालूम किया जा सकता है, जो रास्ते में घिरते गए हैं। 4 मई 1847 को यह दृश्य देखता एक अकेला यात्री खड़ा था। उसका स्वरूप ऐसा था मानो वह उस इलाके का जिन या दानव हो। कोई भी यह अनुमान नहीं लगा सकता था कि वह 40 वर्षों का है या 60 का। उसका चेहरा पतला और कुम्हलाया हुआ था और उसकी भूरी झूसी हुई खाल उसकी उभरी हड्डियों पर खींची हुई थी। उसके लंबे भूरे बाल और दाढ़ी में सफेदी झलक रही थी, उसकी आंखें धंसी हुई थी और उनमें अस्वाभाविक चमक थी। उसके एक हाथ में राइफल थी। उसके हाथों में किसी ढांचे से ज्यादा चर्बी नहीं थी। खड़े खड़े उसने सहारे के लिए अपने राइफल की टेक लगाई, पर फिर भी उसका लंबा चौड़ा डील इशारा कर रहा था कि कभी वह बड़ा फुर्तीला रहा होगा, पर उसका पतला चेहरा और उसके कपड़े जो उसके शरीर पर झूल रहे थे उसे इतना बुरा दिखा रहे थे कि लग रहा था कि वह आदमी भूख और प्यास से मरने वाला है। वह बहुत कष्ट उठाकर पहाड़ी दर्रे के नीचे उतरकर पानी ढूंढने का असफल प्रयास करने लगा। अब पूरा क्षारीय मैदान उसकी आंखों के सामने फैला हुआ था। सामने की क्रूर पर्वत श्रृंखला पर कोई पेड़ या पौधा नजर नहीं आ रहा था जिससे पास में कहीं पानी का आभास हो। दूर दूर तक कहीं भी उम्मीद की किरण नहीं दिखाई दे रही थी। उसने बदहवास निजरों से उत्तर पूर्व और पश्चिम की ओर नजर दौड़ाई। फिर उसे महसूस हुआ कि उसकी यात्रा का अंत हो गया है और वह उस बंजर दर्रे में मरने वाला है। 20 साल बाद मुलायम बिस्तर पर मरना ही है तो आज यहीं क्यों नहीं, एक चट्टान की छाया में बैठते हुए वह बुदबुदाया। बैठने से पहले उसने अपनी बेकार राइफल जमीन पर रखी और एक सलेटी रंग के शॉल में लिपटी एक बड़ी सी गठरी भी जो उसके दाएं कंधे पर लटकी थी। उसकी ताकत के हिसाब से वह बहुत भारी थी, क्योंकि उसको नीचे रखने पर वह बहुत तेजी से जमीन पर गिरी। तत्काल ही उस सलेटी गठरी में से रोने की आवाज आई और इसमें से एक नन्हा सा डरा हुआ चेहरा निकला, जिसकी आंखें भूरी और चमकीली थी और फिर दो छोटी छोटी मुठियां भी निकली। तुमने मुझे चोट पहुंचाई है, एक बच्चे की आवाज ने शिकायत भरी आवाज में कहा। क्या मुझसे ऐसा हो गया, आदमी ने क्षमा मांगते हुए कहा। मैंने जानबूझकर नहीं किया था, बोलते बोलते उसने सलेटी शॉल खोली और उसमें से एक बच्ची बाहर आई जो करीब 5 वर्ष की रही होगी।
उसके प्यारे से जूते और सुंदर गुलाबी फ्रॉक दिखा रहे थे कि उसकी माँ ने उसे कितने प्यार से तैयार किया होगा। बच्ची पीली और कुम्हलाई थी, पर उसके हाथ और पैर स्वस्थ दिखाई दे रहे थे। लग रहा था कि उसने अपने साथी से कम कष्ट झेले हैं। अब कैसी हो, उसने चिंता से पूछा, क्योंकि अब भी वह अपने सिर के पीछे सुनहरे बालों को रगड़ रही थी। इसको चूमकर ठीक कर दो, उसने गंभीरता से अपनी चोट दिखाते हुए उससे कहा। माँ ऐसा ही करती थी। माँ कहाँ है? माँ चली गई। शायद तुम भी जल्दी ही उसके पास चली जाओगी। गई? ओह, बच्ची बोली, अजीब है कि उसने मुझसे गुड बाय भी नहीं कहा। जब वह चाय के लिए आंटियों के यहाँ जाती थी तो मुझे हमेशा गुड बाय करती थी, और अब तो उसे गए 3 दिन हो चुके हैं। यहाँ तो बड़ा सूखा है ना? क्या पानी या कुछ खाने के लिए नहीं है? नहीं, यहाँ कुछ भी नहीं है दिया। तुम थोड़ी देर के लिए सब्र करो, फिर तुम ठीक हो जाओगी। अपना सिर इस तरह मुझ पर टिका लो और फिर तुम्हें बेहतर लगेगा। इस समय बोलना आसान नहीं है क्योंकि हमारे होंठ चमड़े जैसे हो रहे हैं, पर ठीक यही होगा कि मैं तुम्हें सारी बात बताऊं। यह तुम्हारे पास क्या है? सुंदर सुंदर चीजें, उत्साह से उस बच्ची ने कहा और अब्रक के 2 चमकते टुकड़े उठाकर दिखाए। हम जब वापस घर जाएंगे तो मैं अपने भाई बॉब को दिखाऊंगी। तुम जल्दी ही इनसे भी सुंदर चीजें देखोगी, आदमी ने विश्वास से कहा। तुम बस थोड़ी देर रुक जाओ। हालांकि मैं तुम्हें बताने वाला था, तुमको याद है जब हम नदी से चले थे? ओह हाँ, देखो, तब हमने अंदाज लगाया था कि हमें जल्दी ही दूसरी नदी मिल जाएगी, पर कुछ गड़बड़ हो गई थी। हमारे कंपास या नक्शे में या कहीं और नदी नहीं मिली। पानी खत्म हो गया, बस एकाध बूंद तुम जैसों के लिए, और तुम नहा नहीं पाए, उसकी मित्र ने उसके गंदे शरीर को देखते हुए गंभीरता से टोका। नहीं, और नहीं पीने को कुछ मिला। और मिस्टर बेंडर, जाने वालों में सबसे पहले वही था, फिर इंडियन पीट और फिर मिसेज मैक्रेगोर, फिर जॉनो होम्स और फिर बिटिया, तुम्हारी माँ। तो मरने वालों में माँ भी शामिल है, बच्ची बोल उठी, अपनी फ्रॉक में मुंह छुपाकर बुरी तरह रोने लगी। हाँ, वे सब चले गए, मेरे और तुम्हारे अलावा। फिर मैंने सोचा कि इस ओर पानी की कुछ उम्मीद हो सकती है, इसलिए मैंने तुमको अपने कंधे पर उठाया और हम दोनों साथ साथ यहाँ तक आए। पर ऐसा नहीं लग रहा है कि हालात सुधरेंगे। अब तो हमारे पास छोटी सी भी उम्मीद नहीं है। क्या आपका मतलब है कि हम भी मरने वाले हैं? बच्ची ने अपनी सिसकियां दबाई और आंसू भरा चेहरा उठाकर पूछा। मेरे ख्याल से ऐसा ही है। आपने पहले ऐसा क्यों नहीं कहा? खुशी से हंसते हुए उसने पूछा। आपने मुझे कितना डरा दिया था। अब जब हम मरेंगे तो हम फिर से माँ के साथ होंगे। हाँ, तुम माँ के पास होगी बेटी, और आप भी। मैं उनको बताऊंगी कि आप कितने अच्छे हैं। मुझे पक्का मालूम है कि वह स्वर्ग के दरवाजे पर पानी का घड़ा और गेहूं की ढेर सारी गरम और दोनों ओर सेंकी हुई चपातियां लिए खड़ी होगी, जो बॉब और मुझे अच्छी लगती हैं। मुझे नहीं मालूम, ज्यादा समय नहीं लगेगा। आदमी की आंखें उत्तर की ओर के क्षितिज पर टिकी थी। आसमान के नीले मंडल में 3 छोटे बिंदु नजर आए थे, जो हर पल बढ़ते जा रहे थे और तेजी से पास आते प्रतीत हो रहे थे। जल्दी ही वे 3 बिंदु 3 बड़ी भूरी चिड़ियों में बदल गए, जो इन 2 यात्रियों के सिरों के ऊपर मंडराने लगी और फिर ऊपर के कुछ चट्टानों पर बैठ गई। ये थी बजट, यानी पश्चिम के गिद्ध, जिनका प्रकट होना मौत का सूचक है। मुर्गे और मुर्गियां उनके मृत्यु सूचक आकार को देखकर बच्ची खुशी से चिल्ला पड़ी और तालियां बजाकर उनको उठाने की कोशिश करने लगी। कहो, क्या भगवान ने यह जगह बनाई है? हाँ, बनाई तो है, उसके साथी ने इस अप्रत्याशित सवाल पर चौंकते हुए कहा। भगवान ने इलिनॉइस बनाया और उसने मिसूरी भी बनाई, लड़की आगे बोली। मुझे लगता है कि यह जगह किसी और ने बनाई है। यह जगह उन जगहों की तरह सुंदर नहीं है। यहाँ पर वे लोग पानी और पेड़ बनाना भूल गए हैं। तुम प्रार्थना क्यों नहीं कर रही? आदमी ने झिझक से पूछा। अभी रात नहीं हुई है, उसने जवाब दिया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा आमतौर पर नहीं होता, पर ईश्वर इसका बुरा नहीं मानेगा। तुम अपनी वही प्रार्थनाएं करो जो तुम हर रात अपने वैगन में करती थी जब हम मैदान में थे। तुम खुद थोड़ी प्रार्थना क्यों नहीं करते? बच्ची ने अचरज भरी निजरों से पूछा। मैं उनको भूल गया हूँ, उसने जवाब दिया। मैंने तब से पूजा नहीं की है जब से मैं इस राइफल के आधे नाप का था। पर मुझे लगता है कि किसी भी काम के लिए कभी भी बहुत देर हो गई नहीं समझना चाहिए। तुम अपनी प्रार्थनाएं गाओ और मैं यहाँ खड़ा होकर तुम्हारे पीछे पीछे दोहराता रहूंगा। फिर तो तुम्हें घुटनों के बल बैठना होगा, और मुझे भी। वह इस काम के लिए अपना शॉल बिछाते हुए बोली। तुमको अपने हाथ इस तरह उठाने हैं, इससे तुमको अच्छा महसूस होगा। बड़ा विचित्र नज़ारा था, परंतु वहां गिद्धों के अलावा और कोई भी देखने वाला नहीं था।
पतली सी शॉल पर दोनों यात्री बैठे थे। छोटी सी बातूमी बच्ची बेपरवाह, कठोर और साहसी। उसका गोलमटोल चेहरा और उसके कठोर पतले नाकनक्श वादरहित आसमान की ओर उठे, दिल से फरियाद कर रहे थे उस भगवान से जिससे सभी प्राणी डरते हैं। जबकि दोनों आवाजें, एक पतली और स्पष्ट, दूसरी भारी और कठोर, मिलकर दया और माफी की भीख मांग रही थी। प्रार्थना खत्म हुई और वे वापस चट्टान की छाया में जाकर बैठ गए। फिर बच्ची अपने रक्षक के सीने पर सिर रख कर सो गई। थोड़ी देर वह उसे सोता हुआ देखता रहा, पर प्रकृति उससे अधिक बलवान थी। 3 दिन और 3 रातों तक वह न सोया और न आराम किया। धीरे धीरे उसकी पलकें उसकी थकी हुई आंखों पर मूंद गईं और सिर धीरे धीरे सीने पर झुकता गया और आदमी की सफेद काली दाढ़ी बच्ची की सुनहरी लटों से मिल गईं और दोनों एक समान गहरे और स्वप्नरहित नींद सोते रहे। यदि यात्री आधे घंटे तक और जगा रहता तो उसकी आंखों को एक अजीब नज़ारा देखने को मिलता। क्षारीय मैदान के अंतिम छोर पर हल्की सी धूल उड़ी, जो पहले इतनी हल्की थी कि दूर का कोहरा लग रही थी, पर धीरे धीरे यह धूल ऊंची और चौड़ी होती गई और एक ठोस स्पष्ट बादल बन गई। यह बादल आकार में बढ़ता गया और फिर यह साफ हो गया कि यह गुबार बहुत सारे प्राणियों के एक साथ चलने से उठा है। अन्य किसी उपजाऊ जगह में देखने वाले को लगता जंगली भैंसों का विशाल झुंड घास के मैदानों में चरने आ रहा है, पर इस बंजर रेगिस्तान में इसकी संभावना बिल्कुल नहीं थी। जैसे जैसे वह धूल का गुबार उस चट्टान तक आ पहुंचा जहां वे दोनों सो रहे थे, तो धूल में से कैनवस, थकी गाड़ियां और सशस्त्र घुड़सवार दिखाई पड़ने लगे और फिर पता चला कि यह पश्चिम की ओर जाता हुआ कोई विशाल कारवां है। पर क्या कारवां था? जब उसका एक सिरा पहाड़ की तलहटी पर पहुंच गया तो भी दूसरा सिरा क्षितिज में दिखाई तक नहीं पड़ रहा था। उस विशाल मैदान में गाड़ियां, घुड़सवार और पैदल लोग धीरे धीरे चले आ रहे थे। बहुत सी औरतें अपने अपने बोझों को संभालती लड़खड़ाती आ रही थीं और बच्चे उन गाड़ियों के साथ साथ या तो पैदल दौड़ रहे थे या सफ़ेद पर्दों में से झांक रहे थे। यह इस देश से दूसरे देश तक जाने वाले कोई साधारण लोग नहीं थे। ये कोई खानाबदोश थे जो परिस्थितियों की मार खाकर किसी नई जगह की खोज में निकलने को मजबूर हुए थे। साफ माहौल में इंसानों के इस विशाल सागर की परेशान बदहवास आवाजें गूंज रही थीं। पहिए चरमरा रहे थे और घोड़े हिनहिना रहे थे। वे आवाजें तेज जरूर थीं, पर इतनी तेज नहीं हो पाई कि ऊपर सो रहे दोनों यात्रियों को जगा सके। पंक्ति के शुरू में 20 या इससे कुछ ज्यादा गंभीर कठोर चेहरों वाले, हाथ से काटे गए साधारण कपड़े पहने और राइफल हाथ में लिए घुड़सवार थे। चट्टान की तलहटी पर पहुंचकर वे रुके और आपस में सलाह मशविरा करने लगे। कुएं दाईं ओर है, मेरे भाइयों, बिंचे होंठ अधब के बालों वाले एक आदमी ने कहा, जिसकी दाढ़ी मूंछें नहीं थी। सियरा ब्लैंको के दाईं ओर, जिससे हम रियो ग्रैंडे पहुंच सकते हैं। दूसरा बोला, पानी की चिंता मत करो। एक तीसरा बोला, वह जो चट्टानों से पानी निकाल सकता है अपने प्रिय भक्तों को ऐसे ही नहीं छोड़ देगा। आमीन आमीन, पूरी पार्टी में प्रतिक्रिया हुई। वे अपनी यात्रा शुरू करने ही वाले थे कि उनमें सबसे छोटों में एक तीव्र दृष्टि वाला अचानक चिल्ला उठा और उसने ऊपर की चट्टान की ओर इशारा किया। चट्टान की चोटी पर गुलाबी सा कुछ बदरंग चट्टानों के बीच चमक रहा था। उसको देखते ही घोड़ों की लगामें कसी गईं और बंदूकें तन गईं और ताज़ा घुड़सवार आगे बढ़ने लगे। हर होंठ पर रेडस्किन शब्द चढ़ा था। यहाँ पर बहुत ज़्यादा अमेरिकन भारतीय नहीं हो सकते, बुजुर्ग आदमी ने कहा जो नेतृत्व कर रहा था। हम पौनियों को पार कर आए हैं और विशाल पर्वतों को पार कर लेने तक कोई और कबीले नहीं पड़ते। क्या मैं आगे जाकर देखूं, ब्रदर स्टेंजरसन, जत्थे में से एक ने कहा। और मैं, दर्जनों आवाजें बोल पड़ी। अपने घोड़े नीचे छोड़ जाओ और हम यहीं पर तुम्हारा इंतजार करेंगे, बुजुर्ग ने जवाब दिया। पल भर में वे युवक अपने घोड़ों से नीचे उतरे, घोड़ों को बांधा और खतरनाक ढलान पर ऊपर चढ़ने लगे, उस चीज की ओर जिसकी ओर उनका कौतूहल जागा था। वे शीघ्रता और चुपके से आगे बढ़ रहे थे और उनके आत्मविश्वास और निपुणता को देख कर लग रहा था मानो तजुर्बेकार स्काउट हूँ। नीचे खड़े दर्शक देख सकते थे कि कैसे वे एक चट्टान से दूसरी चट्टान की ओर छलांग लगा रहे थे। फिर उनकी आकृतियां ऊपर नजर आने लगी। वह युवक जिसने सबका ध्यान आकर्षित किया था उनका नेतृत्व कर रहा था। अचानक उसके पीछे चलने वालों ने देखा कि उसने अचरज से हाथ उठा दिए और उसके पास पहुंचने पर वे भी उस दृश्य से उसी तरह प्रभावित हुए। बंजर पहाड़ के एक छोटे से पठार पर एक बहुत बड़ी चट्टान थी और इस चट्टान के सहारे एक लंबा, लंबी दाढ़ी और कठोर नाकनक्श वाला पर बेहद कमजोर आदमी लेटा है। उसका शांत चेहरा और नियमित सांसें बता रही थीं कि वह गहरी नींद में सो रहा है।
उसके करीब ही एक नन्ही बच्ची थी, जिसके गोल सफेद हाथ आदमी के भूरे गले में लिपटे थे और सुनहरे बालों वाला उसका सिर उसके शनील के कुर्ते की छाती पर टिका था। उसके गुलाबी होंठ खुले थे, जिसके अंदर से उसके दूधिया सफेद दांत चमक रहे थे, और उसके मासूम चेहरे पर एक चंचल मुस्कान थी। उसके गद्दू से सफेद पैर, जिनमें वह सफेद मोजे और चमकीले बकल वाले साफ जूते पहनी थी, उसके साथी के मुरझाए अंगों से मेल नहीं खा रहे थे। इस चट्टान के ऊपर तीन गंभीर गिद्ध थे, जो नवागंतुकों को देखकर निराशा से चीत्कार करते बेमन से वहां से उड़ गए। उन घिनौने पक्षियों के शोरगुल से दोनों सोने वाले जाग गए और बदहवास से इधर उधर ताकने लगे। आदमी लड़खड़ाता हुआ अपने पैरों पर खड़ा हुआ और नीचे मैदान की देखने लगा, जो उस वक्त बिल्कुल खाली था जब वह सोया था, और अब वह आदमी औरतों और जानवरों से भरा था। उसके चेहरे पर अविश्वास का भाव झलकने लगा और उसने अपना हड्डी जैसा हाथ आंखों पर फेरा। इसी को शायद अवसाद कहते हैं, वह बुदबुदाया। बच्ची उसके कोट का निचला हिस्सा पकड़े उसके पास खड़ी थी। वह कुछ नहीं बोली, पर बचपन की प्रश्नवाचक कौतूहल भरी दृष्टि से चारों तरफ देखती रही। बचाव पक्ष जल्दी ही दोनों भटके हुए यात्रियों को आश्वस्त करने में सफल हो गया कि वे लोग वास्तव में वहां हैं, कोई भ्रम नहीं है। उनमें से एक ने बच्ची को उठाकर अपने कंधों पर बैठा लिया, जबकि दो अन्यों ने उसके कमजोर साथी को सहारा दिया और दोनों को गाड़ियों की ओर लेकर चले। मेरा नाम जॉन फेरिया है, यात्री ने बताया। मैं और यह नन्ही बच्ची ही 21 लोगों के जत्थे में जिंदा बचे हैं, बाकी सब भूख और प्यास से मर चुके हैं। क्या यह तुम्हारी बच्ची है, किसी ने पूछा। मुझे लगता है कि शायद यह अब मेरी हो गई है, दूसरे ने कहा। यह मेरी है क्योंकि मैंने इसे बचाया है, कोई भी इसे मुझसे अलग नहीं कर सकता। आज के बाद यह लूसी फेरिया है। पर आप लोग कौन हैं? कौतूहल से उन बचाने वालों की ओर नजर डालता हुआ वह बोला, ऐसा लगता है कि तुम लोग संख्या में काफी हो, लगभग 10,000। एक युवक बोला, हम प्रभु की संतान हैं, फरिश्ते मेरोना के प्रिय। मैंने कभी इनका नाम नहीं सुना, यात्री बोला, ऐसा लगता है कि उस प्रभु ने काफी बड़ी भीड़ को चुना है, जो पवित्र है, उसका मजाक मत उड़ाओ, दूसरे ने सख्ती से कहा। हम उनमें से हैं जो उन पवित्र ग्रंथों में विश्वास रखते हैं, जो मिस्र की लिपि में सोने की पतली पतली प्लेटों पर लिखी गई हैं, जो जोसेफ स्मिथ को पामीरा में सौंपी गई थी। हम नौवू से आए हैं, जो इलिनॉइस प्रदेश में है, जहां हमने अपने मंदिर की स्थापना की है। हम हिंसक आदमी और नास्तिकों से भागकर यहां शरण लेने आए हैं, जबकि यह रेगिस्तान के बीचों बीच है। जॉन फेरिया के मन में नौवू का नाम सुनते ही कई यादें ताज़ा हो गईं। अच्छा, वह बोला, तुम मोमोन लोग हो। हम मोमोन ही हैं, बाकी लोग एक स्वर में बोले। और तुम कहाँ जा रहे हो? हमको नहीं मालूम, हमारे पैगंबर के रूप में प्रभु का हाथ हमें कहीं ले जा रहा है। तुमको उसके सामने आना पड़ेगा, वही बताएगा कि तुम्हारे साथ क्या करना होगा। इस समय तक वे पहाड़ की तलहटी पर पहुंच चुके थे और यात्रियों से घिर गए पीले चेहरों वाली सहमी सी औरतें, तंदुरुस्त खिलखिलाते बच्चे और चिंतित चौकन्नी निजरों वाले पुरुष। उनके बीच से अचरज और करुणा के अनेक स्वर उभरे, जब उन्होंने एक अजनबी की नाजुक उम्र देखी और दूसरे की लाचारी। पर उनको यहाँ तक लाने वाले रुके नहीं, भीड़ को ठेलते आगे बढ़ते गए। उनके पीछे पीछे मोमोनों की भीड़ चली। वे एक गाड़ी तक पहुंचे, जो अपने विशाल आकार, चटकीले रंग और खूबसूरती की वजह से स्पष्ट नजर आ रही थी। उस पर 6 घोड़े जुते थे, जबकि दूसरी गाड़ियों में 2 या ज्यादा से ज्यादा 4 घोड़े जुते थे। गाड़ीवान के पास एक आदमी बैठा था, जो उम्र में 30 साल से ज्यादा का नहीं रहा होगा, पर उसका बड़ा सा सिर और दृढ़ भाव दिखा रहे थे कि वही इन सब का सरदार है। वह कत्थई रंग की कोई किताब पढ़ रहा था। जब भीड़ उसके पास पहुंची, उसने वह किताब एक तरफ रख दी और ध्यान से सारी घटना सुनने लगा। फिर वह उन भटके हुए यात्रियों की ओर मुड़ा। अगर हम तुमको अपने साथ ले जाते हैं, गंभीर शब्दों में उसने कहा, तो सिर्फ हमारे धर्म को मानने वालों के रूप में ही। हम अपने बीच भेड़िए नहीं रख सकते। बेहतर होगा कि तुम्हारी हड्डियां इस बियाबान में सूखे, बजाय इसके कि तुम वह सड़ांत बनो जो समय के साथ सारे फल को सड़ा देता है। क्या तुम इन शर्तों पर हमारे साथ आना चाहोगे? मैं सोचता हूं कि मैं किसी भी शर्त पर आपके साथ चलने को तैयार हूं, फेरिया ने इतना जोर देकर कहा कि गंभीर मुद्रा वाले बुजुर्ग बिना मुस्काए नहीं रह सका। सिर्फ सरदार अपनी गंभीरता का भाव मुंह पर ओढ़े रहा। इसको कबूल कर लो, ब्रदर स्टेंजरसन, उसने कहा। इसको खाना और पानी दो और बच्ची को भी। तुम्हारा काम यह भी है कि तुम अपनी जाति के पवित्र तौर तरीके इसको सिखाओ। हम पहले ही काफी देर कर चुके हैं। आगे बढ़ो, जीवन की ओर, जीवन की ओर, जीवन की ओर, जीवन की ओर।
मोमोनों की भीड़ चिल्लाई और पूरे कारवां में ये शब्द लहर की तरह उठे, एक मुंह से दूसरे मुंह तक और आखिर में बहुत दूरी पर एक फुसफुसाहट बनकर रह गए। चाबुक तन गए और पहिए चरमराने लगे। बड़ी बड़ी गाड़ियां चल पड़ी और पूरा कारवां एक बार फिर से हरकत में आ गया। जिस बुजुर्ग के सुपुर्द दोनों कमजोर प्राणी किए गए थे, वह अपने कारवां में उनको ले गया, जहां उनके लिए भोजन पहले से ही तैयार रखा था। तुम यहां पर रहोगे, वह बोला, कुछ ही दिनों में तुम्हारी थकान उतर जाएगी। फिलहाल याद रखना कि अब और हमेशा के लिए तुम हमारे धर्म के हो, ब्रिगहम यंग ने कह दिया है। और उसने जोसेफ स्मिथ की आवाज में कहा है, जो प्रभु की आवाज है।